Hey guys, welcome back to my new vlog. और आज का vlog हो रहा है शुरू रात के शाम के 6:30 बजे. कल वाला vlog भी अब तक मैंने एडिट करके डाला नहीं है और उसका रीज़न यही है कि रात को हम बहुत लेट तक बातें करते रहे और बहुत लेट तक सोए और सुबह उठ के चला गया मैं काम पे. अभी मैं काम से आया हूँ घर पे और बहुत ही ज़्यादा थकान हो रखी है. जिम में भी नहीं गया कल से, आज भी नहीं जा रहा हूँ जिम में. तो अभी फटाफट से हम चाय वाय पियेंगे और साथ में लगूँगा मैं आज का जो कल वाला व्लॉग है वो एडिट करने, वो एडिट करके फटाफट से डालता हूँ और साथ में हम फिर चाय वाय पियेंगे. आज हमारा प्लान बन चुका है बाहर वॉक करने जाने का. और बाहर का वेदर तो आपको मैं बता ही रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से ठंड रहती है, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक है, मतलब फुल बाजू में जा सकते हैं बाहर. तो वॉक करने के लिए निकल रहे हैं अभी मैं, मोहित और मोनिका तीनों. टीवी है ना हमारे घर में, मोस्टली क्या होता है जब भी हम घर पर आ जाते हैं ऑन ही रहता है. तो मोस्टली ये ऐसे ऐसे सियाने काम मुझे ही करने पड़ते हैं. टीवी बंद करना होगा, जैसे घर की लाइट ऑफ करनी होगी, बाकी घर में कोई ध्यान नहीं देता. क्योंकि बिल जब आता है ना तो मुझे ही पता है कि बिल कितना महंगा पड़ता है. वो लाइट ऑफ होगी, चलो बाहर जाके बनाएंगे. इन्होंने पहन ली अपनी ब्लू जैकेट. जो क्यों पहन रहे हो, आज कितनी ठंड है बाहर, इतनी ज़्यादा ठंड है आज, इतनी ज़्यादा ठंड है मैं बता नहीं सकता आपको. ठीक है, तो इन्होंने जैकेट पहनी है जो ऐसे बोलते हैं कैमरा मुझे बहुत पसंद है. मैंने सिर्फ एक पतली सी डाली है क्योंकि आज बाहर ठंड नहीं है. इसको उस दिन ठंड लगती है जिस दिन बाहर ठंड होती नहीं है. चाबी ले ली घर की? तो मैंने कर दिया है ये लॉक, घर को अच्छे से लॉक कर दिया है. और बाहर निकलते यहाँ पे लिफ्ट है ग्राउंड, और ग्राउंड पे जाना है हमने. बी वैसे दबा दिया. तो गाइज ये है हमारी टीम आज की वॉक करने वाली और फटाफट से बाहर चलते हैं. बस ठंड ना लगे मुझे, ठंड लगी तो मैं ऐसा बंदा हूँ मैं जल्दी भागूंगा वापस. लेकिन तो गाइस ये है बाहर का वेदर और बिल्कुल बढ़िया वाला. आज बिल्कुल ठंड नहीं है, ना ठंड है ना गर्मी है, आज मज़े आएंगे. और ये पीछे कॉल सेंटर है हमारा चलता फिरता. अबे आया इसका बना के फरारी, इसको ऊपर मत चढ़ा दियो. गुड इवनिंग भी है आदित्य, बैड इवनिंग हुई भी है. तो गाइज आईफोन की क्वालिटी कैसी आ रही है बताना. अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है लेकिन फिर भी इसमें कैमरे में अभी तक फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ सारा व्लॉग. देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है. मोनिका कैसी आ रही क्वालिटी बताइए. अब देख, अब तो अच्छी आ रही है. अच्छी आ रही है ना. इस पीछे अब तक कॉल सेंटर ओपन हो रखा है. जब से घर से हमारे साथ बंदा आया तब से अब तक फ़ोन ही यूज़ करता हुआ चल रहा है. ऐसे ऐसे बंदों को आप कमेंट करके बताना, ऐसे ऐसे बंदों को साथ में वॉक करने के लिए लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए. और ये देखो कितने मज़े में अपना ये गाइस लेक के ऊपर सामने बना हुआ है टगनोंग कम्युनिटी सेंटर. और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना रखा है उन्होंने बैठने के लिए. और पार्क के पीछे बिल्कुल सामने है शॉपिंग सेंटर जहाँ पे हम जाते रहते हैं बहुत बार. देखता हूँ यहाँ से दिखेगा क्या, वो जो दिख रहा है वो शॉपिंग सेंटर है सामने. हाँ यहाँ से दिखेगा वो जो सामने साउथ पॉइंट लिखा हुआ है वो सामने शॉपिंग सेंटर. शॉपिंग सेंटर के सामने से बिल्कुल सामने लेक है. यहाँ पे हम तीनों मज़े से वॉक करते हुए. आज तक आप लोगों ने ये डिश कभी नहीं देखी होगी, पाद थाई $12 की और पाद स्यू $12 की. पाद ही खाना है तो $12 क्यों लगाने मोहित हैं, हैं है? फ्री में खाओ. ये भाई साहब कितने दे देंगे फ्री में. 5 सामने हैं, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. यदि कैनबरा में शाम को 7 बजे के बाद 13-14 बंदा ही मिल जाए समझ लो बहुत बिजी है ये एरिया. बाकी रेस्टोरेंट सारे खाली पड़े हैं, यहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं. ये देखो पूरा पूरा खाली पड़ा है भाई साहब, एक बंदा भी नहीं इसमें. यहाँ पे यार शाम होते ही देखो ये व्लॉग चल जाता है, कुछ भी यहाँ पे टट्टी व्लॉग चलते रहते हैं. हमारे व्लॉग देखो कितने बढ़िया व्लॉग हैं. यहाँ पे देखो व्लॉगर साहब, एक व्लॉगर साहब बैठे हैं, 2 व्लॉगर साहब बैठे हैं, 3rd व्लॉगर साहब यहाँ बैठे हैं. यहाँ पे एडिटिंग हो चुकी है कल के व्लॉग. अपना डालना है कि मैं डाल के लूं? इसके पास बैठ के बंदा वीडियो नहीं बना सकता. बताओ भाभी
वो उनसे पूछो, मैं मेरा तो अपने आप डाल लूंगी। आपने अपने आप डालना है? पहले एक बार इनको बोलने देता हूँ। आपने अपना डालना है कि मैं डाल करूँ? आप भी बोलो, बोलो बोलो, फटाफट फिनिश करो, फिर मैं बोलूंगा। खाना है कि नहीं खाना? नहीं खाना है। अच्छा तू अपना डाल ले, तू अपना डाल ले, मैं मेरा डालूंगा। तो गाइज आज डिनर है ना बहुत ही अलग स्टाइल का है। देखो समोसे आ गए हैं, समोसे चल रहे हैं बाकी मेरे दो दिन से, कल भी मैंने खाया था एक। साथ में समोसे, छोले, हरी चटनी, दही, और ये आज का डिनर है। वैसे रोज का डिनर थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कभी कभार खाना चाहिए आपको थोड़ा बहुत ये भी, ताकि आपका जो बॉडी है वो हैबिचुअल ना हो। वैसे तो जिम जाते हुए थोड़ा बहुत चल रहा है। जब तक मैं बोलता रहूंगा वीडियो ऑन करके, तब तक इस बंदे की जुबान बंद नहीं हो सकती। अब मैं चुप हो जाऊंगा, फिर चुप हो जाऊंगा, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तब बोलना शुरू कर देगा। आप बोलो। अब मैं बोलूं? हाँ, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हो? ना कुछ नहीं बोलना। आपके कैमरा ओवर टू यू नाउ। अपना समोसा खाओ। हाँ? चलते तो गाइस अभी फटाफट से है ना आज का डिनर करते हैं, और तब तक यहाँ पे जो मेरा व्लॉग है ना कल वाला, वो एडिट हो रहा है, यहाँ पे रेंडरिंग के लिए छोड़ा हुआ है। मैंने बताया था आपको पिछले व्लॉग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। और तीन में से एक सब्सक्राइबर तो यही है, ठीक है। बाकी मेरी बीवी साथ में है, लेकिन इसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन दो सब्सक्राइबर हैं वो इंडिया से हैं भाई। आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन बॉयज। सो गाइज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मी। अभी मैं फटाफट से डिनर कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और ऐसा ना हो कि मेरे जो समोसे हैं बिल्कुल ठंडे हो जाएं। ठंडे समोसे खाने में कोई मज़ा नहीं आता। साथ में हम टीवी में कोई भी अच्छा सा व्लॉग लगाएंगे, क्योंकि व्लॉगर आदमी है, व्लॉग लगाएंगे, साथ में खाएंगे, मज़े करेंगे।